बैक टू द चैनल, आप देख रहे हैं जगह हमसे एच डी और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम खेलने वाले एक और कस्टम लीग में से, कस्टम लीग नहीं है भाई, फिलहाल प्रैक्टिस मैच ही है, तो एक और कस्टम प्रैक्टिस मैच। और ये मैच होने वाला है ए बी डिविलियर्स वर्सेस मॉर्गन इलेवन के बीच में, यानी कि ए बी डिविलियर्स इलेवन वर्सेज मॉर्गन इलेवन। तो हमने ये भी दो नई टीमें बनाई हैं, आई होप आपको ये भी पसंद आएंगे। पसंद आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अगर आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी मैं जो T10 का लीग शुरू कर दूँ तो वो भी भाई लिख देना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये आपको बताना है मुझे कि मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था, काफ़ी कम लोगों ने आंसर किया था कि जो लीग हम T10 का शुरू करने वाले इन सब टीमों के बीच में, तो वो हमने कंप्यूटर वर्सेस कंप्यूटर ही करना चाहिए, हम सिर्फ उसमें कमेंट्री करेंगे। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी एक टीम से खेलूंगा तो थोड़े लोग बोलने लग जाएंगे भाई ये तो पार्शियलिटी हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो वो आप मुझे नीचे कंप्यूटर या फिर प्लेयर वो आप मुझे लिख सकते हो, यानी कंप्यूटर वर्सेस कंप्यूटर या प्लेयर वर्सेस कंप्यूटर, तो वो आप मुझे लिख के जरूर बता देना। और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो अगर लाइक नहीं किया अभी तक, और शेयर भी जरूर करना दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर फर्स्ट टाइम यहाँ विजिट कर रहे हो। और अभी तक आप लोगों ने मुझे फेसबुक पे, डिस्कॉर्ड पे या इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, गो एंड चेक इट आउट। और सेकंड चैनल पे हमारे खेल रहे हैं एसेसिन क्रीड वेलहला, वॉच डॉग लीजन और भी दूसरी कई गेम्स, तो अगर आपने उसको चेकआउट नहीं किया तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, गो एंड चेक इट आउट। अगर आपको पसंद आता तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब चलते हैं सीधा मैच की तरफ, फायर का ये गेम प्ले होने वाला है, सो हियर वी गो। तो सीधा आएंगे अब टॉस की तरफ। तो ये हमारी देखो एक्चुअली 11 है इसमें, तो इसमें आपको क्या लग रहा है कौन चेंजेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए वो आप मुझे बता सकते हो, लेकिन मुझे तो फिलहाल ठीक ही लग रही है टीम, कोई ज़्यादा खराबी लग रही है। अगर आपको लगता है कि एक दो ऐड करने चाहिए तो हम ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल ये मैच जो रहा है वो हो रहा है इंग्लैंड के लॉर्ड्स वाले ग्राउंड पे भाई साहब, बाद में हमने इनके कस्टम भी ग्राउंड सेट करके हैं। ओके, तो मॉर्गन इलेवन ने टॉस जीत लिया और उन्होंने डिसाइड क्या किया है भाई, दे आर गोना बॉल सो वी आर गोना बैट फर्स्ट, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। और अब हम बारिश भी हो रही है यहाँ पे हल्की फुल्की, लेकिन हम तो भैया बैटिंग करके ही हटेंगे ताबड़तोड़ वाली। तो क्रिस लेन और KL राहुल ओपन करेंगे भाई, मलिंगा कौन सा मलिंगा एक पता नहीं, तो तोड़ फोड़ बैटिंग करेंगे पांच ओवर में, लेट्स गो। पहली गेंद पे कट मारने की ट्राई थी लेकिन गई नहीं भाई ये गेंद कट की तरफ। ओके, क्रिस लेन ऑन स्ट्राइक, ये जरूर जानी चाहिए भाई, फुल टॉस गेंद थी हवा में गई है, क्या विकेट है या छह है, ओ विकेट है। Well, that's a very helpful catch. क्या ही बोलेंगे अब बताओ जरा, भाई साहब पहली विकेट, और अब बैटिंग करने के लिए मुझे लगता है जो रूट को बुलाएंगे हम पहले, जो रूट को चेकआउट करेंगे कि जो रूट भाई कैसे खेलने वाले हैं। तो जो रूट भी आ रहे हैं ग्राउंड पे, सो ये किट भी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ओके, फर्स्ट बॉल जो रूट फेस करेंगे मिलेंगे, कोई रन नहीं बना भाई अभी तक, ओ बढ़िया शॉट लेकिन कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पे, बढ़िया गेंदबाजी अभी तक बनावटी मलिंगा के द्वारा। ओके नेक्स्ट बॉल, ओ फिलहाल तो कुछ एबी डिविलियर्स की टीम खतरे की घंटी दिख रही है मेरे को बजती हुई, इनकी शॉट कहाँ जा रहा था मुझे नहीं पता ये क्या खेल रहे थे, लेकिन कुछ खेलने की ट्राई तो की थी भाई इन्होंने और कहीं और ही चला गया। ओके ओके नेक्स्ट बॉल, सीधा खेलने की ट्राई लेकिन यहाँ फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं भाई, मेडन जाने की लग रहा है। ओके ये बढ़िया शॉट है, ये हवाई शॉट और ये गेंद जाएंगी सीधे छह रन के लिए। Go straight down the ground, over the top for six. बहुत ही बढ़िया और लाजवाब शॉट है भाई साहब, ये सीधा छह रन के लिए गए हैं बॉल, ढूंढते रह जाओ वाला सीन था ये बॉल का, बहुत ही बढ़िया शॉट। और अब KL राहुल बेचारे को मिला है भाई चांस, पूरा एक ओवर हो गया। ओके
ओहो शॉट तो बढ़िया था लेकिन भाई कुछ होगा नहीं। केएल राहुल भी कुछ ताबड़तोड़ बैटिंग करना तो चाहते हैं लेकिन करेंगे कैसे जब तक कुछ गेंद ना मिले इनको ऐसी तोड़ने वाली भाई तब आएगा ना मजा। केएल राहुल नेक्स्ट बॉल फुल टॉस, ओ बच गए भाई प्रॉपरली कनेक्ट भी नहीं और सीधा जानती। ओके नेक्स्ट बॉल, फिलहाल कुछ रन बन नहीं रहे इनसे खास, हालांकि एबीडी की ट्विलियर्स की टीम है भाई। ये है क्लासी शॉट और जबरदस्त शॉट, ओके ये शॉट की कितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, इस 6 रन के साथ खाता खोला है भाई यहाँ पे केएल राहुल ने। ओके थोड़ी ताबड़तोड़ बैटिंग की जरूरत और एक और शॉट, दो सिक्स आ चुके हैं इस ओवर में। बहुत ही बढ़िया बैटिंग और जबरदस्त शॉट लग रहे हैं यहाँ पे एंड्रयू टाई को। ओके जबरदस्त शॉट, 2-6 कंटिन्यू रो में। ओके नेक्स्ट बॉल, ओहो 3 शॉट लगे भाई एंड्रयू टाई को एक ही ओवर में और जबरदस्त शॉट लगे हैं। क्या बात है, इसको बोलते हैं बैटिंग में कमाल धमाल होना। फिर एंड्रयू टाई को समझाने आ चुके हैं मॉर्गन अब कि भाई ऐसी गेंदें और मत करो नहीं तो ये तोड़ फोड़ देंगे। 3 आए अब, एक और भी आ सकता है क्या वो देखना है अब हमको, देखते हैं एक और अगर आ जाए तो। मुझे लगता है आ गया, फुल टॉस गेंद और एक और सुंदर 6 रन यहाँ पे, जबरदस्त ये ओवर बहुत ही बढ़िया रहा भाई। ये ओवर में पूरी कसर निकल गई है पहले ओवर की, जो नहीं रन बने थे भाई वो सब निकाल दिए केएल राहुल की जबरदस्त बैटिंग में। ओके और अब आए हैं कुलदीप यादव, ओ ये गेंद थोड़ी सी बाहर थी। ओके नेक्स्ट बॉल और जड़ दिया यहाँ पे जो रूट ने जबरदस्त शॉट और ये जाएंगी 1-4। जबरदस्त बैटिंग यहाँ पे अब जरा एबी डिविलियर्स की टीम में थोड़ा मजा आ रहा है भाई। ओके नेक्स्ट बॉल, एक और सुंदर शॉट, बहुत ऊपर गई है पता नहीं कहाँ जाएंगी। The fielders out of the equation by going over their heads. बहुत ही बढ़िया, क्या हो गया अभी टीम को एकदम दूसरे तीसरे ओवर के बाद बहुत ही तगड़ी बैटिंग करी भाई, पहले तो बहुत नहीं बन रहे थे रन इनसे और मॉर्गन काफी दुविधा में अब। ओके नेक्स्ट बॉल और ओ कैच छोड़ दिया भाई, down for the bowler there created the chance, the keeper not able to hold on, कैच ड्रॉप कर दिया है, मतलब ऐसा कैच कैसे ड्रॉप कर सकते। कुलदीप यादव ने जबरदस्त गेंद डाली थी और यहाँ पे कैच का बहुत ही बढ़िया चांस बना था। ओ भाई भाई किसने छोड़ा ये, कुलदीप यादव बहुत ज्यादा ना खुश इस पिछली गेंद से बल्कि फील्ड से। ओ फिर से हवाई फायर, इस बार कैच की संभावना भाई। That's a disappointing score. क्या बात है भाई, ये हो गई गड़बड़ अब। बहुत ही बढ़िया शॉट, गजब शॉट था लेकिन भाई कैच हो गए वहां पे कुलदीप यादव के। फाइनली विकेट मिल चुकी है इनको और अब बाएंगे इस टीम के होल एंड सोल स्टार एबीडी डिविलियर्स, जिनकी जरूरत सबसे ज्यादा इस टीम को रहती है हमेशा ही। The new batsman takes guard. Okay. Oh!
क्या बॉल थी भाई कुलदीप यादव की, जबरदस्त बॉल। इससे पहले की समझ पाते कुछ गेंद कहां जाने वाली, एज लग के सीधी कीपर के पास आई। व्हाट अ बॉल भाई, क्या जबरदस्त डिलीवरी थी। नहीं चांस ही नहीं बनता भाई यहाँ पे रिव्यू लेने का, लेकिन देखो वो कैच देखो वहाँ पे, गजब गजब। ए बी डिविलियर्स को आते ही वापस भेज दिया भाई उन्हें, और मुझे लगता है कि ईशान किशन को बुलाना चाहिए। ईशान किशन काफी अच्छा हो सकता है, और शाहीन अफरीदी डालेंगे यहाँ पे नेक्स्ट बॉल। ओके, और फेस करेंगे केएल राहुल जिन्होंने 6 गेंदों में 24 जड़ दिए भाई। नो नो, सिंगल नहीं आएगा यहाँ पे, फोर्थ ओवर है भाई। ओके, शाहीन अफरीदी फेस करेंगे केएल राहुल नेक्स्ट बॉल। ओ बढ़िया गेंदबाजी भाई साहब, बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल भी चांस नहीं दिया उन्होंने यहाँ पे हिलने का उनको, और फील्ड भी सेट करके रखे, अगर पुल मारने की ट्राई करेंगे तो बाहर भेज दिए जाएंगे। लेकिन 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 विकेट नंबर 4 यहाँ मिल चुकी है शाहीन अफरीदी में, केएल राहुल की विकेट यहाँ पे ले ली है भाई साहब। कतई जहर गेंदबाजी, और कैच पकड़े गए राहुल, और अब क्रिस मॉरिस या मोइन अली, तो मुझे लगता है कि मोइन अली को बुलाना चाहिए, ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन है। और फिलहाल यहाँ पे इसके बाद एक ओवर और है, अगर ये दोनों बैट्समैन बैटिंग करेंगे तो ये इनिंग चलती रहेगी, अगर कोई भी एक आउट हो जाता है तो फिर ये इनिंग एंड हो जाएगी, बिकॉज जो 5 ओवर गेम प्ले रहता है उसमें सिर्फ 5 ही प्लेयर बैटिंग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो इनका 5वां प्लेयर ही है। अब इनमें से कोई भी अगर आउट हुआ तो ये इनिंग यहीं पर एंड हो जाएगी, सिर्फ 40 रन बने अभी तक। ओ हो भाई साहब, स्विंग तो अच्छी हुई थी गेंद अंदर की तरफ, लेकिन मोइन अली का ज़बरदस्त शॉट, और 4 रन मिले यहाँ पे। गेंद अच्छी आई थी अंदर, लेकिन लेकिन जो फायर यहाँ पे मोइन अली ने किया भाई साहब, उसका कोई जवाब नहीं था, और 4 रन मिले हमको यहाँ पे, नहीं तो ये विकेट मेडन जाने वाला था। ओ गजब गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी भाई। अब काफ़ी मतलब ये मैच में देखो, इस इनिंग में क्या हुआ कि पहले एक ओवर में रन नहीं आए, फिर दूसरे तीसरे में बहुत रन आए, फिर चौथे ओवर में फिर रन नहीं आए, अब 5वें ओवर में क्या होने वाला है वो देखेंगे अब। ओहो फील्डिंग ज़बरदस्त कर ली भाई, 1 रन ले सकते हैं जब तक ये उठेगा, ये बड़ा बग है इस गेम में, पता नहीं क्यों है। अरे यार मैंने ईशान किशन से बैटिंग करना था, और पर हमने टीम का सोचा कि भाई टीम रन ले ले तो ज़्यादा बेहतर है। ओके मोइन अली ऑन स्ट्राइक, जिन्होंने 4 रन बनाए 3 गेंदों में। ओके फिर से 1 रन के लिए भाग गए यहाँ पे, बहुत बढ़िया। और अब स्ट्राइक पे वापस ईशान किशन। ओके फील्डिंग इनके लिए थोड़ी अलग। ओ फिर से 1 रन भाग गए लेग बाय का, बहुत अच्छे स्मार्ट क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, बिल्कुल रन छोड़ने की बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेंगे, रन छूटने चाहिए। ओके स्ट्राइक पे वापस मोइन अली, और उन्हें थोड़ा सा रूम बना लिया अपने लिए, अब थोड़ा सा ऑफ स्टंप अगर डालेंगे तो हवाई फायर होने की संभावना, बहुत बाहर। ओके यॉन मॉर्गन काफ़ी खुश अभी इस परफॉर्मेंस से अपनी टीम के, और अब 2 गेंदें मात्र बची हैं। ये बढ़िया शॉट, यहाँ पे 4 रन मिलेंगे, बहुत ही बढ़िया शॉट मोइन अली के बैट से, और 4 रन और, लाजवाब बैटिंग सर, क्या बात है। ओके मोइन अली लास्ट बॉल है भाई अभी, और जड़ दिया भाई, लास्ट बॉल में भी जड़ दिया, और यहाँ मिलेंगे 4 रन और, बहुत बढ़िया शॉट। लास्ट की 2 गेंदों में कमाल कर दिया, सिंगल लेते रहे, और जो लास्ट की 2 गेंदें थी उन्होंने दिखा दिया कि भाई सिंगल लेते रहेंगे और साथ में दूसरा काम करते जाएंगे, बहुत ही बढ़िया, अच्छा खासा टोटल बना दिया रन इनके लिए, नहीं तो टोटल कम होने वाला मुझे लग रहा था, क्योंकि क्रिस लेन भी इनके पहले बिना कोई रन बनाए आउट हो गए थे, और उसके बाद केएल राहुल ने थोड़ा कमाल दिखाया, फिर जो रूट ने भी थोड़े अच्छे रन बनाए, लेकिन ए बी डिविलियर्स भी यहाँ पे आउट हो चुके थे, और बाद में मोइन अली ने 7 गेंदों में 3 रन बनाए। तो बैटिंग करने के लिए आएंगे इसमें डेविड वार्नर और लुइस, और जॉफ आर्चर डालेंगे इनको गेंदबाजी, तो अब देखना है
कि क्या कमाल धमाल ये करते हैं और क्या कमाल धमाल हमारे आर्सेनल का ABD 11। ओके फर्स्ट बॉल डेविड वॉर्नर ऑन स्ट्राइक। ओ क्या बात भाई, विकेट थी क्या ये? मुझे ऐसा लगा विकेट विकेट ले ली क्या। ओके वॉर्नर का तो जहर प्लेयर है भाई, इनसे बच करना पड़ेगा। कजब गेंदबाजी, फिलहाल दो गेंदों में कोई रन नहीं आया। नेक्स्ट बॉल फिर से बढ़िया बॉल, फील्डर वहां मौजूद, ऑफ स्टंप पे गेंदबाजी शुरू है। बिल्कुल भी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ट्राई नहीं कर रहे यहाँ पे कोई भी। नेक्स्ट बॉल थ्रो, अरे भाई ये क्या किया यार, विकेट पे हिट करता ना तो मजा आता, अब क्या मार रहे भाई। ओके और अब स्ट्राइक पे, अच्छा अभी डेविड वॉर्नर है, पहले लुइस थे भाई, मैं गलत पढ़ रहा था। और वार्नर भैया की बैटिंग तो आपको पता ही है, फिर आते ही जड़ दिया उन्होंने, बताओ चार रन मिलेंगे यहाँ पे। बहुत अच्छे, क्या ही बात है, मैं वही बोलूँ डेविड वॉर्नर भैया बैटिंग कर रहे हैं और इतनी देर शांत कैसे हैं, वो कुछ बैट चलाया क्यों उन्होंने। ओ भाई 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 भाई, भाई, भाई। एक और सुंदर चार रन, तो ये ओवर में अच्छे खासे रन मिल चुके हैं इनके, और अब महादुआ डालेंगे। ओके ये कैच होना चाहिए भाई, कैच उछे, क्या बात है भाई, टच ही किया इस बंदे ने, बॉल सीधी बाहर, ऐसी क्या गलती होगी ठाकुर साहब। ओके ओ भाई भाई भाई, इसको ही मारता है क्या पूरे रन भाई, तू मैच मत मरवा दियो। It's going to be hard for the bowler to focus with the crowd this excited. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड वापसी की है भाई साहब, वेरी गुड। ज्यादा टेंशन पाल मत भाई, तू ऐसे डाल, बहुत बढ़िया, इधर उधर डालते रहेंगे एटलीस्ट थोड़ी सी बॉल डिस्टर्ब होता रहेगा बैट्समैन एटलीस्ट। ह्यूज स्पिन ऑन दैट, काएगी ह्यूज स्पिन भाई, कुछ भी नहीं था, कमाल है केएल राहुल भैया की, उतना टेंशन ले रहे। ओके बहुत बढ़िया, ये चलेगा, हमको सिंगल डबल से फर्क नहीं पड़ता भाई, बहुत अच्छे। ओके वापस यही सेम बॉल रखेंगे हम, ज़्यादा कुछ इसमें लाएंगे नहीं। अरे वॉर्नर भैया, फोर रन्स देयर, सुपर शॉट। मैं इसे फील्ड बिल्कुल चेंज नहीं करता हूँ, वो इसलिए चेंज नहीं करता हूँ बिकॉज जो फील्ड उनकी रहती थी वैसे ही मैं सेम अप्लाई करता हूँ, अदरवाइज अगर मैं चाहूँ तो फील्ड चेंज करके काफ़ी सारी चीज़ें रोक सकता हूँ, लेकिन मैं खुद से चेंज नहीं कर रहा हूँ भाई अभी, ताकि दोनों टीमें बैलेंस रहें, जो ऑटोमेटिक चेंज हो रही है वही रख रहा हूँ। ये कैच हो सकता है, वैसे हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, ओ हो क्या स्टॉप किया है, कैच नहीं हुआ, भाई कैच नहीं था क्या, क्या बात है, छह हो गए थे क्या वो। ये होगा कि ये भी बाहर जाएगा, ओ भाई रन बचा दिए, क्या बात है भाई, बहुत जबरदस्त, बिग थ्रो देयर एंड इट्स ऑन टारगेट, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सारे रन बचा दिए उन्होंने, पर वो पहले वाले तो मुझे लगा कैच हो गया, रोक दिया उसने, फिर उन्होंने दे ही दिया उसको छे। एंड दिस इज सो हाई इट विल ब्रो, भाई साहब सीधे छे, ओ भाई ये भी डिलीवरी कर रहे हैं चेंज अब, लेकिन कुछ खास पर 15 में 6, टीम काफी स्ट्रांग है मॉर्गन की। ओ हो इनसाइड एज,
बहुत बढ़िया बैटिंग दोनों बैट्समैन की तरफ से, लेकिन बीच में ना कुछ झोल हो गया ऐसा मुझे लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है क्या? मतलब मुझे ऐसा लगा यार वो आउट था, लेकिन कुछ और ही सीन हो गया वहाँ पे। ओह व्हाट अ बॉल क्रिस मॉरिस की, जबरदस्त गेंदबाजी, ये देखिए वो वार्नर की विकेट, पीछे ना कीपर सो गया पता नहीं क्यों, बॉल पकड़ने वाला जैसे वो। तो पहली विकेट मिली है फिलहाल यहाँ पे एबी डिविलियर्स को, एबी डिविलियर्स की टीम को, और अब इनके कप्तान यॉन मॉर्गन है बैटिंग करने के लिए, और देखते हैं पहली गेंद में क्या कमाल करते हैं। ओ काफी बाहर वाइड ओके, आर अश्विन और कोल्टन आयल दोनों बॉलर मेरे पास हैं। खोटरल डालिंग, खोटरल खोटरल ओके नेक्स्ट बॉल। ओ भाई पूरी फील्डिंग इधर है तेरी, चार बड़े यहाँ पे, क्या बात है भाई साहब। ओके पूरी फील्डिंग लेग स्टंप पे क्यों लगाई जब इनका बॉलर ऐसा है भाई। अरे यार हमें मतलब इसकी फील्डिंग को मेरे को चेंज नहीं करना था, तो भाई कतई जाती हो रही है हमारे साथ। ओके ओ व्हाट अ बॉल, स्लोअर डिलीवरी, लाइन ऑफ इंक्वायरी फॉर द बैट्समैन। ओके फिर से थोड़ा स्लोअर जाएंगे हम, और अब ये तो कैच हो सकता है, कम ऑन यार, मुझे लगा ये तो जाना चाहिए था। ओके नेक्स्ट बॉल, ओ भाई 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 पकड़ ले भाई, अरे भाई मेरे पकड़ जल्दी थ्रो कर, क्या यार डिविलियर्स भैया फील्डिंग लगाते रह जाएंगे ऐसा लग रहा मुझे। ओके फिर से स्लोअर ही डालेंगे हम, ओबे भाई जबरदस्त टीम है यहाँ पे, एन मॉर्गन काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, और चार विकेट से मैच जीता भाई, उन्होंने सिर्फ एक विकेट गवाई, और काफी बढ़िया इन्होंने बैटिंग करी है, काफी स्ट्रॉन्ग टीम लगी अभी तक की मेरे को। हालांकि हमने फील्डिंग में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए थे, अगर फील्डिंग में चेंजेस करते तो बहुत सारे रन हम जो रोक सकते थे, लेकिन वो फिलहाल हमने इसलिए नहीं किया कि उनका भी ऑटो चल रहा था, हमने अपना भी ऑटो ही छोड़ दिया था, लेकिन काफ़ी बढ़िया इनिंग थी और काफ़ी बढ़िया मैच हुआ ये। तो इन्हीं टीमों के साथ हम इसमें से मैंने आई थिंक आपको मोस्टली सारी टीमें बता दी, इन्हीं टीमों के साथ हम T10 लीग शुरू करने वाले हैं। तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि मैंने क्या जो T10 लीग हम शुरू कर रहे हैं उसको कंप्यूटर से कंप्यूटर रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसमें खेलूं, पर मुझे लगता है खेलना नहीं चाहिए उसको, कंप्यूटर से कंप्यूटर रखना चाहिए, तो ज़्यादा पोटेंशियल जो है दिखेगी उनकी कि कैसा वो परफॉर्म करते हैं। तो मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का कमेंट सेक्शन में, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन सी यू एंड बाय।